अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बहुत सिंपल और आसान सी रेसिपी। ये कैमल के मीट में बनेगी। इसके लिए लगने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं धनिया पत्ता एक हाफ अ बंच, 10 से 15 सूखी लाल मिर्च, 3 से 4 बड़ी प्याज बारीक कटी हुई, 1 किलो कैमल मीट, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून, तेल आधी कटोरी। पहले हम प्रेशर कुकर में मीट ऐड कर लेंगे। इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और ये बोनलेस मीट है। ये जो रेसिपी है कैमल की मीट में बहुत अच्छी से बनती है, आप सब घर पे ट्राई कर सकते हैं। बहुत सिंपल और इजी रेसिपी है। हम साथ ही साथ इसमें सब इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेंगे एक एक करके। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप और थोड़ी सूखी मिर्च ऐड कर सकते हैं। अभी हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे। नमक ऐड करने के बाद हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे। इसके बाद हम ऑयल ऐड कर लेंगे। अभी हमने सब चीज़ ऐड कर ली है। अभी हम इसको बंद करके मीट टेंडर होने तक इसको पकाएंगे। देखिए अभी ऑलमोस्ट गल चुका है अच्छे से। अभी इसमें थोड़ा पानी है, हम इसको अच्छे से ड्राई कर लेंगे। जब तक ये अच्छे से सूख ना जाए तब तक हम इसको हिला हिला के मिक्स करके इसको पकाते रहेंगे ताकि पानी अच्छे से सूख जाए, तभी इसका टेस्ट अच्छे से आएगा। पानी थोड़ा भी नहीं रहना चाहिए, साइड में तेल निकल के आने तक हम इसको पकाएंगे। यह हमारी रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। बहुत सिंपल और इजी रेसिपी है, क्विकली बन सकती है, आप सब घर पे ट्राई कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स अपने मेंशन कीजिए। थैंक यू।